हेलो एवरीवन, देखिए एक बैड अपडेट लेकर आया हूँ गाइस। ये फिश मर चुका है, ये है टिन फॉइल बार, और ये इसलिए मरा है, देखिए ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली एक्वेरियम में रहता था, और ये एक एक्वेरियम ये देख सकते गाइस, यहाँ पर बहुत सारे फिशेस हैं। तो इसमें मेरा एक भी फिशेस नहीं मरा है, और मैंने उसमें जो कुछ कुछ फिशेस रखा था, दो चार फिश सब मर चुका है। तो उसमें से एक देखिए, ये है बड़ा वाला जो ये मर चुका है, ये टिन फॉइल बार में, ये लगभग 10 महीने से मेरे पास था, और मुझे उम्मीद नहीं था कि ये मरेगा, क्योंकि ये हम मुझे लगा था कि जैसे ये बहुत बड़ा और ताकतवर फिश है, और मुझे नहीं लगा था कि, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मरेगा, और देखिए आज मर गया ये फिश। और ये इसलिए मरा क्योंकि मैं दरअसल इसका एयर पम्प काट दिया था, 5-6 घंटे के लिए काटता हूँ, लेकिन मुझे गर्मियों में नहीं काटना चाहिए था। मैं जैसा कि हमेशा 5-6 घंटा काट देता था बीच में, लेकिन मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि गर्मी में नहीं काटना चाहिए था। गर्मियों में मैंने 5-6 घंटा के लिए काट लिया था, और जिस कारण से ये एक्वेरियम का वाटर भी बहुत हीट हो गया था, और ये फिशेस को मैंने आके देखा तो मरा पड़ा हुआ था। देखिए गाइस, ये बहुत बड़ा फिश है और ये मर चुका है, और लगभग मैंने इसे 1.5 साल से पाल रखा था। 1.5 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो इस फिश से लगाव हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये मर चुका है। मैंने अगर थोड़ा सा, जैसे कि इससे एक छोटा सा फिश था टिन फॉइल, तो वो भी एक बार क्या हुआ था कि अलट पलट कर रहा था कभी, तो मैंने इस टैंक में डाल दिया था, तो वो फिश बच गया था। अगर मैं भी देख लेता कि अगर ये फिश भी कुछ ऐसा हरकत कर रहा, तो मैं ज़रूर इस टैंक में डालता। मुझसे गलती हो गया था गाइस, मैंने सारे फिशेस को इसी टैंक में डाल रखा था। दरअसल पहले उस टैंक में डाल रखा था, उस टैंक के फिशेस मरने लगा था गर्मी में, फिर मैंने इस टैंक में डाल दिया था, बच गया था। तो बीच में क्या हो गया था, बारिश का मौसम हुआ था बीच में, तो मुझे लगा कि चलो अब गर्मी वैसा नहीं पड़ेगा, तो मैंने फिर से उसमें डाल दिया, और फिर से गर्मी पड़ने लगा गाइस। तो और मुझे मैंने थोड़ा सा केयरलेस हो गया, उसका वाटर को चेक नहीं किया, हाथ से डाल के मैं जब चेक करता था, तो पानी इससे पहले जब गर्म रहता था तो उसमें फिशेस मर जाता है। तो क्या हुआ कि मैंने इस बार कुछ केयरलेस दिखा दिया, जिसके कारण से देखिए गाइस, ये बड़े वाले फिश मर गया है, फिर उसके बाद नाइफ फिश मर चुका है, और फिर 2 ठो एक 3 स्पॉट गुरामी, एक गोल्ड गुरामी मर चुका है, और भी एक फाइटर मर चुका है, मौली मर चुका है, लगभग 10-12 फिश मर चुका है गाइस, गर्मियों के कारण और मेरी लापरवाही के कारण। अगर मैं इस टैंक में डालता तो कोई फिशेस नहीं मरता। मैं दरअसल एक फाइटर फिश इसमें डाल दिया था, एक मौली फिश, 2 इसमें, एक फाइटर इसमें, सब मर चुका है, और इसमें बहुत सारे फिशेस मर चुका है। तो मुझे कम से कम ये सेटअप हटा देना चाहिए था गर्मियों में, कम से कम ये डिब्बा और देख रहे हैं आप ये ग्लास एक्वेरियम हटा देना चाहिए था मुझे, केवल गर्मियों में इसके ऊपर ही डिपेंड हो जाना चाहिए था, पर मैंने केयरलेस थोड़ा सा दिखा दिया गाइस, तो इसके कारण से ऐसा हो गया है। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब मैं किसी फिशेस को मरने नहीं दूंगा, सारे फिशेस को मैं इस टैंक में डाल दिया हूँ गाइस। तो देखिए कितना अभी भी बहुत सारे फिशेस जो है बचा हुआ है, देखिए गाइस बहुत सारे फिशेस है, देखिए अच्छा अच्छा फिशेस जो है बचा हुआ है इसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया अपडेट लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय गाइस।